नमस्कार दोस्तों, मैं शिवांगी रहंगाले आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे चैनल स्टडी मोहल्ला में। आज मैं एमपीडीसी जीके सीरीज के 16वें एपिसोड में लेकर आई हूँ बड़वानी जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। तो शुरू करने से पहले दोस्तों आते हैं पिछले एपिसोड के सवाल पर। दोस्तों पिछले एपिसोड में मैंने आपसे पूछा था इंडिया का फर्स्ट नेशनल पार्क कौन सा है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। यह 1936 में उत्तराखंड के नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया गया था और इसका पुराना नाम हेली नेशनल पार्क है। यह नेशनल पार्क बंगाल टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए स्थापित किया गया था। तो दोस्तों अब आते हैं बड़वानी जिले की कुछ महत्वपूर्ण व रोचक जानकारियों पर, तो चलिए शुरू करते हैं। बड़वानी नाम की उत्पत्ति बड़ यानी बरकत के वन से हुई थी, जिनसे शहर पुराने समय में घिरा हुआ था। शहर बड़वानी पूर्व में बड़ नगर और सिद्ध नगर के नाम से भी जाना जाता था। बड़वानी जिले का गठन 25 मई 1999 को पश्चिमी निमाड़ खरकौन से अलग कर बनाया गया था। चावल अनुसंधान केंद्र बड़वानी में स्थित है। भंवरगढ़ का किला बड़वानी जिले के अंतर्गत आता है। कपास की मंडी सेंधवा तहसील में है जो बड़वानी जिले के अंतर्गत आती है। बड़वानी जिले के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत तथा उत्तर में विंध्याचल पर्वत से घिरा हुआ है। बड़वानी जिले को निमाड़ का पेरिस भी कहा जाता है। स्वतंत्रता के पूर्व बड़वानी एक रियासत थी जिस पर राणा वंश का शासन था। बड़वानी जिले में सर्वाधिक लाल मिर्च का उत्पादन होता है। बड़वानी का विलास पैलेस राजा रंजीत सिंह के बेटे दिवंगत की याद में बनवाया गया था। 52 गजा प्रसिद्ध जैन तीर्थ स्थल यहाँ भगवान आदिनाथ की 52 गज ऊंची प्रतिमा विराजमान है। सेंधवा मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र की सीमा पर स्थित सेंधवा परिवहन कर कार्यालय मध्य प्रदेश में सर्वाधिक परिवहन राजस्व अर्जित करने वाला बैरियर है। स्वतंत्रता सेनानी भीमा नायक की जन्मस्थली बड़वानी को माना जाता है। उच्च शिक्षा के लिए यहाँ पर शहीद भीमा नायक शासकीय महाविद्यालय स्थित है। तो दोस्तों ये थी बड़वानी जिले की कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आते हैं दोस्तों आज के आसान से सवाल पर। आज का आसान से सवाल है दोस्तों, सिलोन किस कंट्री का ओल्ड नेम है? सिलोन किस कंट्री का ओल्ड नेम है? दोस्तों उम्मीद है आप सब इसका सही जवाब देंगे कमेंट बॉक्स में। अब मिलते हैं दोस्तों अगले एपिसोड में एक नए जिले के साथ और इस सवाल के उत्तर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।